नमस्कार। किसी का सुंदर चेहरा हम कितने समय तक रख सकते हैं याद, लेकिन हम बहुत दिनों तक रख सकते हैं याद उसके व्यवहार को। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जे मौर्या। आज एक नई कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। कहानी भी एक मोटिवेशनल कहानी है कि आप अपने आप को बहुत दिनों तक लोगों के मन में कैसे राज कर सके और लोग आपको कैसे याद कर सके। तो कहानी एक कॉलेज में शुरू होती है, जहां वहां के प्रधानाचार्य वहां के यंग स्टूडेंट से पूछते हैं यही सवाल, तो कोई जवाब नहीं दे पाता। तो एक बच्चे को उठाते हैं और उससे पूछते हैं, मान लो कि तुम एक बहुत सी सुंदर लड़की को देख रहे हो, तो क्या तुम उसको देखोगे? तो उसने कहा, हाँ जरूर देखूंगा, अगर मेरे गर्लफ्रेंड अगर मेरे साथ ना हो तो। लोग हंसने लगे। तो फिर प्रिंसिपल ने पूछा कि आप उसको कितने टाइम तक याद रखोगे? उसने कहा, मैं तब तक याद रखूंगा जब तक कि उससे बढ़िया कोई दूसरी नहीं मिल जाती। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात तो क्लियर हो गई, लेकिन मान लो कि मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के पास एक अपना चिट्ठी लेके या एक उपहार लेके भेजता हूँ जिसको तुम नहीं जानते हो, और वहाँ उसके घर जाते हो, और जब घर के सामने पहुँचते हो तो आप देखते हो ये तो बहुत बड़े व्यक्ति का बंगला है, वहाँ पे चारों तरफ उसके बाउंड्री लगी है, बाउंड्री पे के बीचों बीच गेट है, और गेट पे एक वॉचमैन खड़ा है जो आपको रुका लेता है। तो आप उसे कहते हैं कि फला फला प्रिंसिपल ने ये गिफ्ट भेजा है। तो वह इंटरकॉम से अपने मालिक को फ़ोन करता है, मालिक तुरंत आता है, आपको अंदर लेता है, आपको बिठाता है, आप उसे उसका गिफ्ट देते हैं। मालिक कहता है, जाइए वहाँ पे बाथरूम में हाथ पैर धो आइए। और बाथरूम में आप हाथ पैर धो के आते हैं तो आपको वह बड़े प्यार से बिना मांगे खाना खाने की व्यवस्था करता है, खाना खिलाता है, बात करता है, उसके बाद चाय कॉफ़ी पिलाता है। ढेरों सारी आपकी से बात करने के बाद, आपके घर परिवार के बारे में जानने के बाद, फिर जब आप उसे विदा लेते हैं तो आपको वह गेट तक छोड़ने आता है। जब गेट पे छोड़ने आता है तो देखता है आपके पास कोई वाहन नहीं है, तो वह आपसे पूछता है कि भैया आप आए कैसे? तो आप बताते हैं कि हम बस से आए। उसने अपने ड्राइवर को तुरंत बुलाया और कहा कि इस आदमी को लेके जाइए, इनके घर तक छोड़ के आइए और फिर मुझे बताइए। और उसका ड्राइवर आपको लेके जाता है, घर तक छोड़ता है, और जैसे ही आप घर पर पहुँचते हैं उस फिर धनी व्यक्ति का फ़ोन आ जाता है कि आप पहुँच गए आराम से। वो आप कहते हैं वहाँ पहुँच गया। फिर वो कहता है कि देखो ये मेरा नंबर है, ये सेव कर लो, अगर कभी आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद करना। फिर उस प्रिंसिपल ने उस स्टूडेंट से पूछा कि आप इस आदमी को कितने दिन तक याद रखोगे? तो उसने कहा, साहब मैं तो इसको ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। तो ये कहानी के दो पात्र हैं, एक में एक महिला है जो बहुत सुंदर है जिसको आदमी थोड़े टाइम में भूल जाएगा, और एक आदमी है जिसका व्यवहार जितना अच्छा है कि उसको आदमी ज़िंदगी भर याद रखता है। हम सबके मन में एक दबी हुई इच्छा होती है कि लोग हमें याद रखें, लोग हमें पहचानें। इसके लिए हम क्या क्या करते रहते हैं, अपने चेहरे पर लाखों रुपया खर्चा करते हैं, लोग हमें जाने पहचाने, इसलिए हम फटी जीन्स पहनते हैं, फटे शर्ट पहनते हैं, कभी कानों में बालियाँ पहनते हैं, कभी आँख के भौवों में बालियाँ पहनते हैं, उल्टे सीधे हरकत करते हैं, कभी मूछ निकाल के सिर्फ दाढ़ी रखते हैं, कभी सिर्फ मूछ रखते हैं, प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, क्या क्या नहीं कराते कि लोग हमें याद रखें। लोग हमें याद रखें इसलिए हम उल्टी सीधे हरकतें करते हैं, कभी ऊंची पहाड़ी से कूदते हैं, कभी पानी में गोता लगाते हैं, कभी ऐसे ऐसे करतब दिखा के हम जिंदगी में अमर होना चाहते हैं, लेकिन इतना करने पे भी हमें कोई ज़िंदगी भर याद नहीं करता, गारंटी नहीं देता। तो कहानी यह है कि आपका सुंदर चेहरा, आपका धन आपको ज़िंदगी भर याद कराएगा ये संभव नहीं। अगर आपको ज़िंदगी भर चाहते हैं कि लोग आपको याद करें, तो आपको चमकाना है अपने मन को, अपने मन को चंगा करना है, अपने व्यवहार को अच्छा करना है, और इतना अच्छा व्यवहार करो कि आप उसके दिल में रहने लगो, आप उसके दिल में अपना परमानेंट घर बना लो। तो चेहरे पे खर्च करने से अच्छा अपने मन पे खर्च कीजिए, अच्छा इंसान बनिए, लोगों के काम में आइए, लोगों से अच्छा व्यवहार कीजिए। आप काले हैं फ़र्क नहीं पड़ता, आप लंबे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, आप गोरे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कितने अच्छे इंसान हैं इससे फ़र्क पड़ता है।
आज दुनिया में जिन लोगों को लोग याद करते हैं वो उनके व्यवहार उनके कार्य के लिए ही याद करते हैं। कोई इसलिए याद नहीं रह जाता कि वह बहुत सुंदर है, कोई इसलिए नहीं याद रह जाता है कि उसने कितने करामात किए हैं। तो कहानी आज यहीं ख़त्म करते हैं। और यह जो कहानी का सार है कि हमें अगर अपने मन में यह इच्छा है कि हम जिंदगी भर याद किए जाएं, जीते जी भी याद किया जाए और मरने के बाद भी, तो हमें कुछ ऐसा व्यवहार करना है, लोगों के घर में, लोगों के दिलों में घर में बना लेना है और जिंदगी भर अपने को वहाँ रहते हुए याद करवाना है। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, फिर अगली कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।